है, ये भी आपका बायनोमियल थ्योरम पे ही बेस्ड है, तीन टर्म है लेकिन बनेगा आपका बायनोमियल थ्योरम से। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए अगर इसको देखा जाए तो ये आपका ए प्लस बी के फॉर्मूला पे पुट हो रहा है ना, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसका टोटल का पावर दिया हुआ है कितना, पावर थ्री दिया हुआ है, तो वन प्लस एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हो, सिक्स। अब तो तोड़ सकते हैं इसको आराम से, क्या लिखेंगे, सिक्स सी जीरो से स्टार्ट करेंगे, सिक्स सी जीरो, वन पे पावर कितना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वन को छोड़ ही देते हैं। एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो, जो नीचे रहता है भाई, सिक्स सी वन एक्स टू द पावर वन प्लस सिक्स सी टू एक्स टू द पावर कितना लिखिएगा, टू, फिर प्लस सिक्स सी थ्री एक्स टू द पावर थ्री प्लस सिक्स सी फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस सिक्स सी फाइव एक्स टू द पावर फाइव प्लस सिक्स सी सिक्स एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा बताइए, सिक्स। अब आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। सिक्स सी जीरो का वैल्यू वन प्लस एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू तो वन ही होगा, सिक्स एक्स प्लस सिक्स सी टू का वैल्यू, ऊपर का फैक्टोरियल फिर नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल तो कितना आ जाएगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया ना, टू इंटू फोर का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दोनों खत्म, टू टू थ्री जो सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, तो सिक्स से टू और सिक्स में से दो को, सिक्स में से टू को माइनस करेंगे सिक्स से फोर, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिफ्टीन एक्स टू द पावर फोर। अब इसका रहा वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ऊपर का फैक्टोरियल तो किया हुआ, नीचे का फैक्टोरियल फिर ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल और इधर क्या आ जाएगा, थ्री का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल, तो ये दोनों खत्म हो गया और यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स और ये सिक्स खत्म, तो कितना आ रहा है, ट्वेंटी, ट्वेंटी एक्स क्यूब फिर प्लस ये कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर सिक्स, तो ये आपका टोटल आंसर हो गया, कोई दिक्कत। और सेकेंड नंबर है अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये केसी से ना कहीं क्वेश्चन है, 16.1 का क्वेश्चन नंबर वन का 13 नंबर, ठीक। तो हमको ऐसा लगा कि आप लोग को दिक्कत होगा तो इसलिए हम इसको बता ही देते हैं, ठीक। बाकी बच्चा तो आप लोग को खुद से बनाना, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं तब उसके बाद फिर बनाएंगे अगले नंबर, हो गया। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, तो वन प्लस इसके अंदर जो ये है, ये दो टू टर्म, तो इसको मान लो वाई, ठीक। तो अगर y मान लेंगे तब क्या बनेगा बताइए, वन प्लस ये टोटल को क्या माने, y एक्स बाई टू प्लस माइनस टू बाय एक्स ही ना है, तो यहाँ लिख दिए y, y टू द पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर। अगर ये फोर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, अब इसको तोड़ लेंगे आराम से, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, वन का पावर कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एन का वैल्यू कितना है, फोर, वाई टू द पावर जीरो आ जाएगा, प्लस फोर सी वन वाई टू द पावर वन, फोर सी टू वाई टू द पावर टू, फोर सी थ्री वाई टू द पावर थ्री प्लस फोर सी फोर वाई टू द पावर फोर, ये हो गया। उसके बाद फिर फोर सी फोर का वैल्यू पता ही है कितना, सॉरी वन था, उसके बाद फिर फोर सी फोर का वैल्यू वन, वाई है तो वाई, प्लस फोर सी टू का वैल्यू इसका निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल करते रहिए, ठीक। तो टू टू है इधर कितना आ जाएगा, थ्री इंटू टू का फैक्टर टू टू खत्म, टू टू फोर तो कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, ठीक, सिक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस ये टोटल वैल्यू की लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर वाई टू द पावर क्यूब प्लस इसका वैल्यू वाई टू द पावर फोर। तो अब इसमें क्या बोला, वाई का वैल्यू हम लोग कुछ माने हुए हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लिए, ठीक। तो वाई क्यूब का तो फॉर्मूला पुट कर देंगे वाई स्क्वायर का, बट वाई पे पावर फोर का वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा, वाई टू द पावर फोर, तो वाई टू द पावर फोर को क्या माने, एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स पे पावर कितना लिखेंगे, पावर फोर। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो, फिर से लगेगा इसमें बायनोमियल थ्योरम, एक्स टू द पावर एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, फोर है, तो एक्स टू द पावर तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस है, माइनस टू बाई एक्स, टू बाई एक्स पे पावर जीरो प्लस फोर सी वन, फोर सी वन एक्स बाई टू पे पावर थ्री, फिर माइनस एक्स बाय टू बाई एक्स है ना, टू बाई एक्स पे पावर वन, फिर अगर देख रहे हैं फोर सी टू कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू पे पावर टू माइनस टू बाई एक्स पे पावर टू, जो नीचे रहेगा वही आगे आएगा, ठीक। फोर सी थ्री एक्स बाई टू पे पावर क्या लिखिएगा, दोनों का डिफरेंस वन इंटू माइनस टू बाई एक्स पे पावर क्या, दोनों का जो नीचे रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस फोर सी फोर एक्स टू द पावर दोनों का डिफरेंस यहाँ पे माइनस टू बाई एक्स पे पावर जीरो, सॉरी फोर, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फोर सी जीरो का वैल्यू निकाले हुए थे कितना आ रहा था, वन आ रहा था, तो वन इंटू एक्स टू द पावर फोर बाय
टू का पावर फोर करेंगे तो 16, उधर तो जीरो ही आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस फोर सी फोर वन का वैल्यू वन इंटू एक्स टू द पावर क्यू बाय टू का पावर एट, यू नो टू का पावर थ्री करेंगे तो एट आ जाएगा इंटू टू बाय एक्स, फोर टू जो एट, ये दोनों खत्म, तो कितना आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर है ना बच रहा है, फिर प्लस अगर यहाँ पे फोर सी टू का वैल्यू, फोर सी टू का वैल्यू निकाले तो कितना आया था सिक्स आया था इसका वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे सिक्स, सिक्स आया था फोर सी टू का वैल्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू था इंटू यहाँ पे टू का होल स्क्वायर कितना होता है फोर, यहाँ पे फोर बाय एक्स स्क्वायर था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा सिक्स बचेगा, प्लस फोर सी फोर का वैल्यू इसका तो फोर आएगा इंटू एक्स बाय टू इंटू यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हटा दीजिए यहाँ माइनस लिख दीजिए, तो टू बाय एट बाय एक्स क्यूब, ये दोनों खत्म, तो एक्स स्क्वायर टू फोर जा एट, फिर प्लस इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा इंटू माइनस टू बाय एक्स का माइनस टू, माइनस टू पे पावर सिक्सटीन बाय एक्स टू द पावर फोर ये आ रहा है, फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना लिखिएगा वाई टू द पावर फोर का वैल्यू निकाले हम लोग, ठीक है वाई टू द पावर फोर का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं कहीं पे ताकि फिर मिटाने के बाद क्लियर ना, ठीक तो ये वाई टू द पावर फोर का वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या अगर यहाँ पे क्या था एक्स टू द पावर फोर बाय सिक्सटीन, फिर माइनस यहाँ पे क्या था सब चीज़ खत्म हो गया था, तो क्या बचा था सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा था प्लस सिक्स, यहाँ पे क्या बचा हुआ है माइनस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू फोर जा कैंसिल हुआ है, फोर फोर जा सिक्सटीन बचा हुआ है और बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है ना, टू फोर जा एट हुआ, फोर और फोर मल्टीप्लाई हो गया सिक्सटीन और ये एक्स क्यूब होकर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, फिर प्लस सिक्सटीन बाय एक्स टू द पावर फोर्टीन बचा, यानी एक्स टू द पावर फोर बचा हुआ, ये आपका वाई का वैल्यू है, ठीक है इसी टाइप से क्या करेंगे वाई क्यूब का वैल्यू निकालेंगे, तो आपके डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं, ठीक है तो चलिए इसका वैल्यू आप लोग को समझ में आएगा किस टाइप से बन रहा है, अब क्या करेंगे धीरे धीरे देखिए, तो वन है तो वन लिख दिए यहाँ पे, प्लस फोर इंटू वाई का वैल्यू कितना है एक्स बाय टू माइनस टू बाय एक्स, फिर प्लस सिक्स इंटू एक्स बाय टू माइनस टू बाय एक्स का होल स्क्वायर, प्लस फोर इंटू एक्स बाय टू माइनस टू बाय एक्स का होल क्यूब, प्लस वाई टू द पावर फोर का वैल्यू क्या निकाले थे एक्स टू द पावर फोर बाय सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस सिक्सटीन बाय एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाय एक्स टू द पावर फोर, हो गया ये आया, उसके बाद फिर देख रहे हैं क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन प्लस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जब फोर यहाँ क्या बचेगा टू एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट बाय एक्स, हो गया सिर्फ प्लस सिक्स इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का पुट हो रहा है तो क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू का होल स्क्वायर फोर बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी तो माइनस टू बचेगा सिर्फ बचेगा ना एक्स एक्स खत्म टू खत्म बचा यहाँ पे, प्लस फोर इंटू अगर इसका देखेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब का वैल्यू ये एक्स क्यूब बाय एट माइनस बी क्यूब का वैल्यू एट बाय एक्स क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर का वैल्यू थ्री बाय एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस इंटू टू बाय एक्स, फिर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर तो एक्स बाय टू इंटू बी का वैल्यू टू बाय एक्स का होल स्क्वायर, हो गया उसके बाद फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, बाकी बचा जो ये टर्म रहेगा ये टर्म वाई टू द पावर फोर का आएगा ही, ठीक इसको हम लोग लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वन प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे टू एक्स माइनस एट बाय एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक प्लस ट्वेंटी फोर बाय एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा ट्वेल्व प्लस फोर को इससे करेंगे तो एक्स क्यूब बाय टू, फिर प्लस ये प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा थर्टी टू बाय एक्स क्यूब, फिर अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर था एक एक्स था तो ये दोनों कैंसिल होके यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई टू टू भी है यहाँ पे तो टू का होल स्क्वायर है टू का होल स्क्वायर और यहाँ पे फोर ये दोनों कैंसिल हो गया बचेगा क्या टू सिर्फ यहाँ पे टू बचा और टू और थ्री बचा हुआ तो टू थ्री जा सिक्स सिक्स बचा हुआ है और एक यहाँ पे बचा एक्स कोई दिक्कत यहाँ तक उसके बाद फिर फोर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर अगर फोर करते हैं तो कितना आ जाएगा देख लीजिए फोर थ्री जा ट्वेल्व तो यहाँ प्लस ट्वेल्व इंटू एक्स का पावर एक्स का यानी एक्स तो ऊपर नहीं आएगा तो जब भी आएगा टू टू द टू टू जा फोर यहाँ देख लीजिए फोर थ्री जा ट्वेल्व और टू टू जा फोर इंटू एक्स बाय टू टू है तो टू इंटू एक्स स्क्वायर तो ये एक्स एक्स खत्म तो एक एक्स बचा हुआ है यहाँ पे टू सिक्स जा ट्वेंटी फोर ठीक और तो कुछ नहीं वाई टू द पावर फोर का वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ठीक और टोटल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या करना सॉल्व करना सॉल्व करने के बाद जो जो सेम टर्म रहेगा जिसको बोलते हैं लाइक टर्म अगर लाइक टर्म रहेगा तो वो दोनों क्या हो जाएगा
माइनस ए प्लस हो जाएगा, अगर अनलाइक टर्म है तो जैसे वो आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो तरीका हम बता दिया आपको किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप जो है टाइप वन का क्वेश्चन नंबर वन का टोटल ट्राई करोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू भी ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए जो थ्योरी दिया जाएगा तो उसके अनुसार हम लोग उसको चलते बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए जो थ्योरी होगा वही थ्री फोर फाइव तक का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए